मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1-5 हमने सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ ए बाय बी इक्वल टू 3/4, सी बाय डी इक्वल टू -5/9, ई बाय एफ इक्वल टू 16/7, देन वेरीफाई दैट ए बाय बी क्रॉस सी बाय डी प्लस ई बाय एफ ब्रैकेट इक्वल टू, इसमें भी हमने जो वेरीफाई करनी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसने यहाँ पे दी हुई है हमें, कि आपने पहले ए बाय बी की सी बाय डी से मल्टीप्लाई करनी है, देन ए बाय बी की ई बाय ई एफ से मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है? तो फर्स्टली हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है? ए बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी प्लस ई बाय एफ। तो जस्ट आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें जो वैल्यूज आपको गिवन है वही राइट करनी है। ए बाय बी कितनी है? 3/4। फिर मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट सी बाय डी आपको गिवन है -5/9, प्लस का साइन ई बाय एफ आपको 16/7 गिवन है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में आपको पता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमने पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो जब आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे, इसका जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, तो आपने 9 और 7 की क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना, 63। ठीक है, इसको सोल्व करोगे भाई एलसीएम मेथड। उसके बाद में 3/4 आप एज इट इज ही राइट करोगे। तो जब आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास आ गया 109/63। तो 63 और 3 जो है वो 3 के टेबल में कैंसिल हो रहे हैं, 3 1s 21 पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन करके 109/84 ही आ जाएगा। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है अभी सॉल्व हुई है। इसके बाद में हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो आपको गिवन थी पहले, आपने उसको राइट कर लेना है। ठीक है, वो राइट करने के बाद में जो जो वैल्यूज आपको गिवन है, ए बाय बी क्रॉस सी बाय डी प्लस ए बाय बी मल्टीप्लाई का साइन ई बाय एफ, ये आपने वैल्यूज इसमें पुट कर लेनी है। उसके बाद में देखो, अब मल्टीप्लाई के साइन है, इट मीन हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आ जाता है कोई भी टू फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स के बीच में, तब तो आपने उसको एलसीएम मेथड से सोल्व करना होता है। क्लियर है? अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, तब आपने इसको डिवाइड करके मीन कैंसिल करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, हम सेम टेबल से देखेंगे कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 3 और 9 जो है 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 1s 3 3s 9। 4 और 5 आपके कैंसिल नहीं हो रहे, इसको एज इट इज राइट करना है प्लस का साइन। उसके बाद में इनमें देखो 4 1s 4 4s 16, 3 और 7 एज इट इज आ जाएंगे आपके। उसके बाद में आपने क्या करना है, न्यूमिरेटर की न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करनी है डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से। तो -5 1s -5, 4 3s 12, 3 4s 12 and 7 1s 7। अब इसमें देखो प्लस का साइन आ गया आपके पास। अब मैंने बताया था कि किन्हीं भी टू रैशनल नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाता है, तब आपने क्या करना है, उनको एलसीएम मेथड से सोल्व करना है। डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट है तो एलसीएम ले लोगे आप 84। न्यूमिरेटर एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन 84 को 12 से डिवाइड किया 7, प्लस का साइन 12 एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन 84 को 7 से डिवाइड किया 12। क्लियर है? फिर आप इनकी पहले मल्टीप्लाई करोगे -35, 12 12s 144 डिवाइडेड बाय 84। जब आप इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा 109/84। हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी और राइट हैंड साइड भी आपकी यही आई है। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने अभी कौन सी प्रॉपर्टी जो है प्रूव की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें पी क्यू आर की वैल्यूज आपको गिवन है, सेम एज इट इज आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 किया उसी के जैसे करना आपने, या आप अपने आप सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -12/39। क्या बोला कि मल्टीप्लाई करना है आपने 6/13 को बाय किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -12/39। मीन पहले आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना होगा -12/39 का। तो फर्स्टली हम यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्यूशन में, रेसिप्रोकल ऑफ -12/39 इक्वल टू -39/12।
आप माइनस का साइन चाहे न्यूमिरेटर के साथ लगाओ चाहे डेनोमिनेटर के साथ, जो है आपका फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा, क्लियर है, सेम रहेगा। तो उसके बाद में देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि मल्टीप्लाई 6/3 बाय रेसिप्रोकल हमने फाइंड आउट कर लिया, तो रेसिप्रोकल कितना आपका -39/12। तो इसकी जगह पे आप जस्ट -39/12 राइट कर दोगे और इनकी क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। अब देखो 13 ones are and 13 threes are 39, 6 ones are and 6 twos are 12, यहाँ पे 3 ones are 3 and 2 ones are 2, -3/2 आ गया। अब आपको मैंने बताया था न्यूमिरेटर आपका ग्रेटर हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आपने इसको मिक्स नंबर में चेंज करना है, तो वो मेथड आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। ये हमारा आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द रैशनल नंबर दैट डजंट हैव रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। अब देखो यहाँ पे मैंने जीरो राइट किया है, अब आप सोचोगे कि जीरो जो है वो तो रैशनल नंबर नहीं है। अगर मैं जीरो को 0/1 राइट कर दूं तो आपका जो है ये रैशनल नंबर बन गया। अब जो वन है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, मीन डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं है। दूसरी बात, आप इसको p/q की फॉर्म में राइट कर रहे हो, इट मीन ये 0/1 आपके रैशनल नंबर हो गया। अब इसका जब रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो कितना आ जाएगा 1/0, तो वन को या किसी भी नंबर को जब आप जीरो से डिवाइड करोगे तो वो तो हो ही नहीं पाएगा, इट मीन इसका जो आंसर है वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। मीन ऐसा जो जीरो है ओनली ऐसा जो रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल आपका जो है डिफाइन हम नहीं कर सकते, ओनली जीरो ऐसा रैशनल नंबर है। बी पार्ट आपको गिवन है कि द रैशनल नंबर दैट इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, ऐसा कौन से रैशनल नंबर है जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है, ओनली वन ऐसा नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ वन आपका कितना होता है 1/1 = 1। अब देखो वन को आप 1/1 राइट कर सकते हो, रैशनल नंबर बन गया ये हमारा जो ये है p/q की फॉर्म में आ गया, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये सेम आएगा 1/1, तो वन ओनली ऐसा नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सेम आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के जैसा गिवन है, तो आप वो अपने आप करोगे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, इसके 1 और 2 क्वेश्चन हमने जस्ट सोल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड। अब देखो पिछली एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लाई वाले जो है जो क्वेश्चंस किए थे, इसमें हम डिवाइड वाले करेंगे। डिवाइड वाले में बस थोड़ा सा चेंज है, फर्स्ट आपको गिवन है 1/8/2/3, तो देखो यहाँ पे आपके डिवाइड का साइन आ गया, डिवाइड का साइन आ गया तो आपने इसको किस में चेंज कर लेना है मल्टीप्लाई के साइन में। जब आप मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करोगे तो इसका जो सेकंड वाला नंबर है मीन जो रैशनल नंबर है उसका आप क्या कर दोगे रेसिप्रोकल, मीन इसको उल्टा करके राइट करोगे, 2/3 आपका कितना आ जाएगा 3/2। अब देखो अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, 8 and 2 को आप कैंसिल नहीं करोगे क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर हैं, मल्टीप्लाई कर दो ये 3/16 आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद में आपको फिलिप्स गिवन है, फर्स्ट आपको गिवन है 1/7/(-1/7) = -, तो आपने क्या करना है इसको सोल्व करोगे, डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया और इसका रेसिप्रोकल करोगे। याद रखना है कि फर्स्ट वाला जो रैशनल नंबर है उसको एज इट इज राइट करना है, इसको रेसिप्रोकल नहीं करना, जो सेकंड वाला रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल करोगे आप, 7 से 7 कैंसिल हो गया = 1। और मैंने डी पार्ट यहाँ पे सोल्व किया है -86/7/-1, मीन -86/7 को किससे डिवाइड करेगी माइनस का 1 आ जाए, तो यहाँ पे हमें माइनस का 1 लेके आना आंसर। तो आपको पता है यहाँ पे हमने क्या किया कि -86/7 × 7/86, मैंने यहाँ पे इसको किससे चेंज कर दिया, पहले इसको मैंने डिवाइड में डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में मैंने चेंज किया और मैंने क्या ले लिया इसका रेसिप्रोकल ले लिया। मीन अगर यहाँ पे आप इस डैश की जगह पे 86/7 राइट करोगे
तो रेसिप्रोकल करने पे मीन इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/86 इक्वल टू डैश, मीन जो आपका डैश का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 86/7। क्लियर है? पीडीएफ में मैंने यहाँ पे जो है आंसर राइट किया है 7/86, बट आपने यहाँ पे इसको राइट करना है 86/7 डैश इक्वल टू 86/7। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू इक्वल टू 8/21 प्लस ब्रैकेट माइनस 32/39 डिवाइडेड बाय 16/13। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास इसको सॉल्व करोगे आप, फर्स्टली डिवाइडेड के डिवाइड का जो साइन है उसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करोगे और जो सेकंड वाला रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल करोगे, 13/16 हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है 16 1 16 2 13 1 13 3 0। क्लियर है? अब जो ब्रैकेट के अंदर आपके बाकी जो बच गए उनकी मल्टीप्लाई करोगे -2/3 आ जाएगा आपका। अब देखो आपके पास जब आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस ये माइनस का नंबर हो जाएगा 8/21 -2/3। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा -6/21 आएगा आपका सॉल्व करने पे। पर देखो मैंने इसको आगे जो है 3 के टेबल से मैंने डिवाइड किया क्योंकि आगे भी डिवाइड हो रहा था, आंसर आ जाएगा -2/7। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4-10 करेंगे। क्लियर है? तो इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करोगे। थैंक यू।